सबसे बड़ा और ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा? यस, मैं एग्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है? दिस क्वेश्चन इज फॉर यू एंड यस, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आपको क्या लगता है टेक्सटाइल में ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है और इंडिया नंबर वन है उसमें? सो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट इन द नंबर वन वे, इसमें मतलब ह्यूज वॉल्यूम में एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड यस, वी आर टारगेटिंग मोस्टली टू द डेवलप मार्केट। एंड डेवलप मार्केट, यू ऑल्सो नो दैट यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, सो वी आर टारगेटिंग टू देम ऑल्सो। एंड आई नो दैट माइट बी यू गेस दैट प्रोडक्ट वेरी वेल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टेरी टॉवेल्स। सो टेक्सटाइल में अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल में टेरी टॉवेल एक बहुत मतलब बड़े तौर पे एक्सपोर्ट किया जाने वाला प्रोडक्ट है। वैसे टेक्सटाइल में तो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। आई नो ऑल्सो लाइक आपको भी पता होगा, फैब्रिक्स आता है, यार्न्स आते हैं, लाइक डाइज आते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं, स्टिच अनस्टिच क्लॉथ आते हैं, अपैरल नीटेड आते हैं, नॉट नीटेड भी आते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यस, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरी टॉवेल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। सो उसके बारे में जानकारी भी अगर थोड़ी बहुत लेते हो तो भी आपको पता चलेगा उस प्रोडक्ट का स्कोप कितना बड़ा है और आप उसमें कितना बड़ा काम कर सकते हो। क्योंकि ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना कि जो फिक्स में बेचे जाते हैं, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कि जो रेगुलर कंजम्पशन में होते हैं, सो उसका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन इज ऑल्सो हाई। एंड इफ इंडिया हैज़ दैट पोटेंशियल टू सप्लाई दैट प्रोडक्ट टू द डेवलप मार्केट ऑल्सो, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट हैज़ डेवलप्ड द स्कोप एंड पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर मार्केट, डेफिनेटली यू कैन, वाई नॉट टू ट्राई फॉर दैट। Yes, so let's talk about the Terry Towel. Hi dosto, I'm KD Sushma, I'm author, trainer, exporter and business coach, and yes, I'm working on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025, and I know you are one of them. So yes, let's discuss about the Terry Towel. टेक्सटाइल में अगर बात करें तो टेरी टॉवेल इज़ द लाइक नंबर वन प्रोडक्ट एक्चुअली। एंड मैं कहूँगी इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट हो या सिटी हो जहाँ पे टेरी टॉवेल का बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन चलता है? यस, गेस इट करेक्टली, महाराष्ट्र में सोलापुर में टेरी टॉवेल का बहुत बड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट के लिए भी बनाया जाता है, डोमेस्टिक में भी सेल होता है। सो सोलापुर इज़ द मेजर ग्रोइंग एंड मार्केट फॉर दैट, मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है। यस, सोलापुरी चद्दर भी ज़्यादा फेमस है एंड सेम वे टेरी टॉवेल का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा किया जाता है। सो यस, यू कैन चेक दैट मार्केट ऑल्सो फॉर द अंडरस्टैंडिंग द मोर अबाउट द टेरी टॉवेल। आई हैव विजिटेड टू सोलापुर इन द लास्ट फ्यू मंथ्स बैक एंड यस, आई हैव विजिटेड टू लॉट ऑफ मिल्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द टेरी टॉवेल इंडस्ट्री एक्चुअली, स्पेशली बिकॉज यस वी आर वर्किंग ऑन देम। या टेरी टॉवेल का हमारा भी मतलब चल रहा है अभी मार्केट का एंड यस ऑलमोस्ट नियर लाइट वी विल शिप दैट। सो इस केस में कि लाइक जब भी मैंने वो सर्वे किया सारा एंड मैंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को विजिट किया, सो वी हैव सीन द लॉट ऑफ लाइक फैसिलिटीज़, मिल्स कैसे होते हैं, मशीन्स कैसे होते हैं, उनकी प्रोसीजर क्या चलती है, या ये जो भी छोटा मतलब रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक वो कैसे किया जाता है, उसमें भी बहुत सारा थ्रेड के डिफरेंसेस होते हैं और कितना कुछ किए तो जाके मतलब वो टॉवेल कैसे बनेगा, उसकी क्वालिटी पैरामीटर जो भी है वो थ्रेडिंग के ऊपर डिपेंड की जाती है। सो वो बहुत सारे माइन्यूट चीज़ें हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड that. और ये जो मैंने बोला कि क्वालिटी पैरामीटर जो भी डिफाइन किए जाते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन द विच लाइक यूजेस ऑफ द टॉवेल, कि आप कौन से पर्पस के लिए वो यूज करने वाले हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि किचन टॉवेल के लिए यूज होने वाला है तो किचन टॉवेल अलग से बनाया जाएगा, बाथ टॉवेल अगर हो तो वो अलग से बनाया जाएगा, देन अगर वो बीच टॉवेल है तो वो भी अलग से बनाया जाता है। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो यस, यूरोप की एक इंक्वायरी हम हैंडल कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमें सिर्फ बीच ही टॉवेल चाहिए, और बीच टॉवेल की वहां की कंसेप्ट क्या है यूरोप की, कि लाइक वो यूज एंड थ्रो के जैसे यूज जाते हैं। सो वन टाइम यूज होता है और अनंतर थ्रो किया जाता है, इसका मतलब क्या समझा कि दैट इज इन द लो क्वालिटी होती है, मतलब वो अगर यूज एंड थ्रो जैसा प्रोडक्ट है तो वो वन टाइम यूज के लिए बनाया जाएगा। सो उसका मटेरियल जो भी कुछ होगा वो ऐसे अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा और उसकी प्राइस भी कम से कम होती है। सो इट डजेंट मैटर कि यूरोप है तो मतलब क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, बट इट इज़ डिपेंड ऑन द यूज ऑफ दैट प्रोडक्ट, कि वो कहाँ पे कैसे यूज़ किया जा रहा है और वन टाइम है या मल्टीपल टाइम है, इसके ऊपर क्वालिटी पैरामीटर्स डिफाइंड होते हैं। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन, वेन एवर यू आर टॉकिंग टू यूर कस्टमर, लेट्स अंडरस्टैंड द इंक्वायरी फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दैट मार्केट और डिमांड ऑफ दैट बायर पर्टिकुलरली, वो प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होने वाला है, कब यूज होने वाला है, कितने टाइम यूज होने वाला है, what are the quality parameters they are looking to in that product, and based on that the pricing will be different. So एक factor होता है ना कि जब भी हम बोलते हैं कि price matchup नहीं होती, inquiry convert नहीं होती, तो मैं कहूँगी ये बहुत बड़ा factor होता है, क्योंकि हमने ठीक तरीके से demand को ही जाना नहीं है, समझा नहीं है। तो demand को ना समझते हुए अगर जब हम quote करेंगे, definitely कि वो हमेशा obvious है कि बड़ा ही होने वाला है।
और यू आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द मार्केट, आप तो उससे पहले ही आउट हो गए हो। और इसीलिए हमेशा पहले समझना सीखो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो भी बंदा लेने वाला है उसके एक्चुअल नीड क्या है उस प्रोडक्ट के। सो दिस अबाउट दैट। ओके, अगर मैं कहूँ कि इसका HS कोड टर्मिनोलॉजी में क्या है या फिर कौन से कोडिंग में ये मतलब दिया जाता है, सो 6302 भी होता है, 6304 भी होता है, डिपेंड ऑन द यूजर्स यू कैन आइडेंटिफाई इट कि विच HS कोड टैरिफ में वो इंक्लूड किया जाएगा आपके लिए। ओके, उसके बाद अगर हम कहें कि अगर वो डेवलप मार्केट है तो अंडरस्टैंड द मार्केट डिमांड फर्स्ट, कि वो बीच की रिक्वायरमेंट, बीच टॉवल की रिक्वायरमेंट कितनी है, नैपकिन कितने चाहिए उनको, किचन टॉवल की रिक्वायरमेंट, बाथ टॉवल हो, होटल्स की अगर डिमांड है तो होटल्स के लग्जरी मतलब कौन कौन से होटल में भी कौन कौन से सेगमेंट के तौर पर उनको ये चाहिए। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट ऑफ द टेरी टॉवल स्पेशली मैं कहूँगी। एंड यस, मैं कहूँगी सोलापुर में जितना मैंने देखा है ह्यूज प्रोडक्शन कैपेसिटी है, आपके डिमांड बेस पे भी वो एक्सपोर्ट मतलब बनाने के लिए तैयार है। सो प्रोडक्ट यू कैन कस्टमाइज, चाइना से भी बहुत सारे इंपोर्टेड मटेरियल भी मांगा जाता है, उसके बेस पे भी बहुत सारी चीज़ें की जाती है। बट यस, डेफिनेटली मैं कहूँगी अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, गो एंड विजिट टू सोलापुर फैक्ट्रीज, वहाँ पे बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव भी है, एंड यस यू कैन गेट द डिटेल नॉलेज अबाउट दिस प्रोडक्ट। बस यस, डेफिनेटली मार्केट इज देयर, पोटेंशियल इज देयर, यस प्रॉफिट इज ऑल्सो देयर, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट विच इज हैविंग द रेगुलर यूज एंड रेगुलर कंजम्पशन इन द मार्केट, एंड वाई नॉट टू सप्लाई दैट if India is the number one exporter of the terry towel, and yes we are developing the developed markets. So जो भी आपको एक होता है ना कि product का तो मैं कर लूँगा, लेकिन what about the payment, risk, losses, तो developed market ही already develop है इसके लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक risk तो वहाँ पर ख़त्म हो गई कि पैसा तो मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए जो ज़रूरत है उस market की उसको fulfill करना पड़ेगा। सो चलो फिर अभी से मतलब काम चालू करते हैं। इट इज़ अबाउट द टेक्सटाइल एंड टेरी टॉवेल। मैं कहूँगी टेक्सटाइल में ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं यू कैन टैप, बट हमेशा रूल याद रखो वही है, अलवेज गो विद द वन प्रोडक्ट ओनली, हैव अ मास्टरी ऑन दैट, गो डीपर इन दैट एंड देन स्टार्ट द एक्सपोर्ट जर्नी, बिकॉज इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। सो चलो फिर एक्शन लो, काम करो, एक्सपोर्ट का जर्नी उतनी पॉसिबल है भी है और नहीं भी है, डिपेंड ऑन हु यू आर एंड वॉट यू आर वर्किंग ऑन दैट। Get the clarity, be having the practical approach. Yes, join to Global Fortune, let's help each other, and yes, we will create the international business like very successfully. क्योंकि yes, यहाँ पे है ना कि market development की बहुत सारी activities Global Fortune कर रहा है वहाँ पे। Yes, I'm doing the lot of things for my students, those who are really serious about their growth and yes, really committed about the Global Fortune journey also. And because of the like that family, we are helping each other, doing multiple things for them. And yes, definitely, the success will follow us. Take action. If you want to know more about the things, yes, you can comment in the comment box what are the videos and topics you want to learn. And yes, I will definitely do that. Like this channel, subscribe it and share it also. And yes, if you want to understand more about the export-import business, and if you're new in that, yes, I will help you in that. So this is the Global Fortune book, Get Ready for Export-Import Business. Yes, I have written this book based on my own practical experience. Simple, understandable English language mein hai. Anyone can read it. And yes, shipping is all over India. It's free. So you can order this book from www.kdsushma.com. And yes, start your journey. Enjoy the reading. And yes, this is the basic guide for export-import business. Take action. Jai Hind.